ट्राइबल डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए थे, हमारा जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, और डीएम फ्रॉम कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग, एसपी आल्सो फ्रॉम कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग अनिक थापा चेयरमैन, एंड आल्सो ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफ जीटीए एंड अरूप विश्वास माय कलीग. सो एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, इवन मिस्टर लामा वॉज ऑल्सो देयर, जिसमें उसको नौकरी का भविष्य हो. तो इसमें हम चार स्किल सेंटर बनाने के लिए जीटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है. आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ माई जो हमारा डिपार्टमेंट है स्किल डिपार्टमेंट का, उसके साथ बात भी करा दिया, ये लोगों ने मिलजुल के करेंगे. तो इधर में ट्रेनिंग देके, 3 महीना का ट्रेनिंग होता है, उसमें बहुत सारे लड़का लड़की अपन पाए में खड़ा हो सकता है. और इधर में ट्रेनिंग होने के बाद साथ साथ में नौकरी मिल जाता है, आईटीआई जो हम जिसको बोलते हैं. हमारा बहुत सारे 300 से ज्यादा हमारा बाजार भी रहेगा, पार्किंग सेंटर भी रहेगा, सिनेमा हॉल भी रहेगा, कम्युनिटी सेंटर भी रहेगा. आज 2 फ्लोर ओ सेल्फ हेल्प ग्रुप का पास में जाएगा, जो लोकली बहुत सारे चीज तैयार करते हैं, उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है. एंड आवर सेल्फ हेल्प ग्रुप इज रियली वेरी गुड एंड इफेक्टिव. इसका क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का. वो अपना पाँव में खड़ा होकर काम करते हैं, हम लोग उसको मदद करते हैं. हम लोग इंसेंटिव भी बहुत सारे जब शुरुआत करते हैं देते हैं, उसको मदद करते हैं. वो हर तरह उसको गवर्नमेंट का प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं, जैसे उसको चीज़ हर चीज़ बेचे. कल जैसे इसका एक उद्घाटन भी है जो आपका दार्जिलिंग में, तो ये सब बात पे चर्चा किया है. और सारे बहुत सारे बात आया, पूरा तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं प्रेस में. और जो बात है कि डेवलपमेंट बोर्ड को हम बोला है कि हम इसको थोड़ा से ओ लोगों के पास भी हम सजेशन मांगा, हम जीटीए का चेयरमैन का पास में भी सजेशन मांगा. जो सजेशन हमारे पास आएगा उसको हम देख के हम इसको पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा 1 से 1.5 महीना का अंदर, जैसे वो लोग काम शुरू करें. और जब तक ये ना तैयार हो तब तक वो लोग फंक्शन करेंगे जैसे कर रहे हैं. यही बातचीत आज हुआ. अनेक कुछ बोलना है तो बोलो. आज हमारे मीटिंग में बोर्ड को सब चेयरमैन भाइस चेयरमैन वहाँ को प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो जीटीए को एक्जिक्युटिव सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि यहाँको जीटीए क्षेत्र को डेवलपमेंट विषय में धेरै कुरा भयो र धेरै यो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिएर प्रत्येक ठाउँमा एउटा मार्केट हब बनिने चर्चा पनि भयो. अनि फ्युचरमा मैले म्याडमसँग पहाडमा जुन जामको एकदमै प्रब्लम छ त्यसको लागि कार पार्किङ रुम उहाँसँग प्रपोजल राख्यो, उहाँले त्यसलाई हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ. र जहिले पनि सिएम म्याडम आउँदा पहाडमा हामीलाई के दिएरै जानुहुन्छ, लिएर जानुहुँदैन. सायद पहाडबाजीले यो बिस्तारो बिस्तारो बुझ्दै जान्छ होला. अनि शान्ति नै विकास हो भन्ने जुन प्रकारले म सिएम म्याडमसँग 2017 उहाँको सँग अग्रसर भएर काम गरिरहेको छु, अनि यो बाटो म छोड्दिनँ पनि, किनभने पहाडमा विकास बाहेक अरू केले पनि अगाडि नसक्दैन. हामीलाई धेरै वञ्चित पनि भएको थियो. मैले शान्तिले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ, पहाडमा टुरिज्म भयो, होमस्टे भयो. होमस्टे पनि सिएम म्याडमले लामा हट्टादेखिको जो अनाउन्स भएको थियो, अहिले प्रत्येक गाउँ गाउँमा होमस्टे एउटा टुरिज्म इन्डस्ट्रिज भएर गएको छ, एउटा यो इम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम सल्भ भएर गएको छ. तपाईँले हेर्नु, तपाईँलाई थाहा छ सबै यहाँ के हो, प्रत्येक गाउँ गाउँमा अहिले होमस्टे इन्डस्ट्रिज खोलिसकेको छ, जो सिएम म्याडमले लामा हस्तादेखि सुरु गर्नुभएको थियो. अहिले प्रत्येक सिटङमा भन्नुहुन्छ, दार्जिलिङमा जहाँ पनि भन्नुहुन्छ. अनि मैले आफै पनि होमस्टे सुरु गरेको छु, हेर्नुहोस्. त्यही कारण हामीले पहाडमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट शान्ति राख्नुपर्छ, अनि वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टसँग एकदमै मिलेर काम गर्नुपर्छ, तालमेल लगाएर. हो मलाई अब मिलेर काम गर्दा धेरै कुरा भन्छ, तर म मिलेरै काम गर्छु पहाडको विकासको लागि, हेर्नुहोस्. र
र म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जहिले पनि पहाडवासीले म्याडमलाई माया गर्नुहोस् म्याडमले धेरै माया गर्नुहुन्छ पहाडलाई तपाईँहरूलाई पनि याद छ धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीले भोट नदिँदा पनि माया गर्नुहुन्छ उहाँले भोट माग्नु पनि आउनुहुन्न योपालि भोट माग्नु आउनु हाम्रो गोर्खा क्यान्डिडेट दिनुभयो र कहिले पनि तिमीहरूलाई उहाँ भोट माग्नु आउनुभयो दिन्छ दिँदैन र नदिँदाखेरि पनि हामीले यति साह्रो हामीलाई माया र प्रेम र विकास पाएर बस्छ आउने दिनमा दियौँ भने झन् के हुन्छ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन र म्याडमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु आपका एक बात सोचना है जो बोर्ड हम बनाएंगे एक पॉलिसी डिसीजन किया है जीटीए चेयरमैन इलेक्टेड चेयरमैन है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक सेल रहेगा जैसे उसको ऑडिट ठीक हो काम अच्छा से चले कंसल्ट करना भी करने से अच्छा होता है उसको मदद का भी जरूरत हो तो हम ऑडिट थापा विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस मॉनिटरिंग सेल एंड मिस्टर एल पी राय विल बी द वाइस चेयरमैन और मॉनिटरिंग और डीएम जो है डीएम तो पूरा सबको मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग तो रहेगा ही रहेगा और आपको सुनने के में खुश आएगा कि हम पहाड़ में चाय बागान को लिए भी बहुत ध्यान दिया चाय बागान में भी हम पट्टा भी देते हैं हमारा सरकार आने का बाद 2012 का बाद हम 55,000 पट्टा ऐसे दे दिया पहाड़ का वासियों को फिर भी मिरिक को भी आपको पता है जो था कर्शिया का बाढ़ में भी बात किया है हम देख लेंगे जिधर में जमीन का अवेलेबिलिटी है हम इसको भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक है थैंक यू सो मच